या यहाँ पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, तो ये प्रदर्शन की चीज का है और क्या आप लोगों की मांगे है? ये विरोध प्रदर्शन है NRC और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। ये हिडन एजेंडा है RSS का, जो गुरु गोलवलकर ने 1942 में अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये बताया है कि वो बहुत ज़्यादा वो बंच ऑफ थॉट्स प्रेरित थी हिटलर से। जैसा हिटलर ने यहूदियों का कत्ले आम किया था और एथनिक क्लेंसिंग की थी जर्मनी से, वैसे ही RSS चाहती है कि मुसलमानों को एथनिक क्लेंसिंग करके इस देश से निकाला जाए, मगर ये मुमकिन नहीं है। 25 करोड़ मुसलमान इस देश के एक साथ है और इस कानून के खिलाफ है। ये पहले NRC असम में इनका फेल हो गया है, उसमें 20 लाख लोगों में से 15 लाख हिंदू लोग थे, तो उसको ये अपना मुंह साफ करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है कि जो मुसलमान इसमें अपात्र हो जाए और अनएलिजिबल हो जाए, जो अपना प्रूफ नहीं साबित कर पाए, उसको ये इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे और उससे वोटिंग राइट छीन लेंगे। और इसमें जो हिंदू अपात्र हो गए और जो बुद्ध अपात्र हो गए, जो क्रिश्चन अपात्र हो गए, उनको ये शरणार्थी बोल के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये उसको नागरिकता दे देंगे। और ये जो बिल है ये हमारे संविधान के मूल भावना और मूल रचना के विपरीत है, क्योंकि संविधान के पहले ही पेज पे 3 बार धर्म निरपेक्ष करके लिखा गया है। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ संविधान से डरने वाले हैं। और हम बाला साहेब अपना भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी है और हम उनके संविधान को मानेंगे। हम RSS का निषेध करते हैं। RSS एक हिंदूवादी और एक मानसिक तौर पर बीमार लोगों की जमात है, जो कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। और ये मोदी और शाह, ये चंद गंजेड़ी, इनके अंधभक्तों के तहत ये कानून लागू नहीं कर सकते। ये देश गंगा जमनी तहजीब का मिसाल है और पूरे दुनिया में इसको इसके सेक्युलरिज्म की वजह से जाना जाता है। और इस गंगा जमनी तहजीब और इस हिंदू मुसलमान ताने बाने को किसी भी हाल से तोड़ा नहीं जा सकता है और हम इस बिल का विरोध करते हैं। और हमारे आबाओ अजदाद, हमारे पूर्वजों का इस मिट्टी में खून सना हुआ है। हमारे उलमाए इकराम ने 1857 की जंगे आज़ादी में अपना खून दिया है और हम इस देश में हम आज से नहीं 800 साल से है। और हमारी हुकूमत अगर ऐसी ही मुनाफिक परस्त होती थी तो आज इस देश में कोई भी सभी मुसलमान हो जाते, हिंदू नहीं होते थे। मगर मुग़लों ने भी यकजहती बताई, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जो डिवीज़न का लॉ लाया, हिंदू मुसलमान उस वक्त सबसे पहले मालूम पड़ा कि क्या हिंदू होता है और क्या मुसलमान होता है। और ये जो RSS वाले हैं, जो हिंदू महासभा वाले हैं, आज ऑन रिकॉर्ड मेरे पास में मल्टी मर्सी पिटीशन है सावरकर की। आज सावरकर ने 500 बार अपनी मर्सी पिटीशन में कहा कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, उसको भारत रत्न देंगे। और हमारे पूर्वज जो कि अपना खून बहाकर इस आज़ादी को गले लगाए, आज उनको दहशतवादी, दहशतगर्द बोला जा रहा है। तो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अमित शाह और मोदी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, ये रैली जो निकाली गई है ये NRC और CAA के खिलाफ है जी। और ये जो कानून है ये सिर्फ जो नया कानून ये लाए हैं जी, ये इनकी सारी चालाकी और चतुराई है, ये सारी इनकी हरकतों पे, काले करतूतों पे पर्दा डालने के लिए ये बिल्कुल आए। इस बिल में कुछ भी नहीं है सबके लिए, सिवाय नुकसान के, देश के नुकसान के कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो बनाया हुआ दस्तूर है, कानून है, ये उसके खिलाफ है। और ये सारे अपने काले करतूत छुपाने के लिए ये बिल्कुल आया गया है। बेरोजगारी का मुद्दा है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेप हो रहा है, खतरनाक से खतरनाक, दलित को, आदिवासियों को, इन लोगों को मार दिया जाता है, मुसलमानों के साथ भी ये होता है। तो ये सब चीज़ों को, काले कारनामों को ढाकने के लिए ये लाए हैं। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा काला कानून माना जाएगा। आज तक हिंदुस्तान में इससे बड़ा काला कानून मैं नहीं समझता कि कोई आया हो। मगर ये अपनी ताकत के बलबूते पे और अपनी सत्ता के नशे में ये इसको लागू करना चाहते हैं।
और इस वजह से आज हम लोगों ने पूर्ण अमन जो है जुलूस निकाला था सरकार के खिलाफ, और हमारे कुछ उलमाओं ने लिख करके राष्ट्रपति जी को वगैरह को उन लोगों को कागज़ वगैरह लिख करके जो है दिए हैं। तो हम जो है इसके बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि ये इसमें मुसलमानों की ही बात नहीं है, इसमें हमारे ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों की, सभी लोगों के खिलाफ है ये बिल। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसको हिंदू मुस्लिम नाम देने की कोशिश की जा रही है, मगर ये RSS और ये BJP के जो लीडर है ये इसमें कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे साथ हमारे सरदार जी भाई, हिंदू भाई, दलित, OBC, माइनॉरिटी सब कंधे से कंधा मिला के इस कानून के खिलाफ खड़े। तो जब इतने सारे लोग इस कानून के खिलाफ हैं तो ये राम बलराम की जोड़ी कैसे सही हो सकती है, यानी अमित शाह और ये मोदी कैसे सही हो सकते हैं, जब पूरे हिंदुस्तान के इतने करोड़ों लोग लोक पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये करोड़ों लोग जो है ये सही है, ये दो जो है ये सही नहीं है, और आप लोग इनके काले कर्तूत जानते ही हैं, ये तब बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी अमित शाह बता रहे हैं कि ये जो कानून है ना सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हम तो सबको मिलाने के लिए लाए। ये सब झूठे हैं। आप एक बात मैं जानना चाहता हूँ, 2014 से जब से ये सत्ता में आए हैं, इनके एक चीज़ ये बता दें कि जो इन्होंने वायदा किया है उसको पूरा किया है तो ठीक है, हम चलो इनकी दूसरी बातों पे यकीन करने के लिए तैयार। ये अपने किसी कानून पे या जो भी योजना इन्होंने निकाली है सारी फेल है, सारे घोटाले हैं, सारे हिंदुस्तान का अरबों खरबों के हिसाब से जो इनके दो चार इनके अपने पट्टे थे वो ले करके UK USA पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुके हैं। तो इनका जो एजेंडा है बस ये हिंदुस्तान को खोखला करना चाहते हैं, बस इनका ये एजेंडा है, और सारे बुराइयों को छुपाने के लिए ये कानून लाए। सबसे मेन बात ये है, इसकी जड़ ये है कि सारी चीज़ों पे इनकी कमजोरियों पे काले का इस पर पर्दा डालना चाहते हैं। बस अच्छी बात है कि आज स्कॉटर्स कॉलोनी के अंदर इतनी बड़ी रैली निकली है, तो इस रैली के आप क्या मतलब बताना चाहते हैं लोगों को और हमारे न्यूज़ वालों को? प्रॉब्लम NRC से नहीं है जी, जो सवाल असल में है वो CAB से। CAB से ये लोग क्या चाहते हैं कि जो दूसरे मुल्क में जो माइनॉरिटी में जो लोग रह रहे हैं, जैसे अमित शाह का कहना है, और उनकी असल मंशा ये है कि उन लोगों को यहाँ का शरण यहाँ पे सिटीजनशिप दे करके उनको यहाँ का हक दिया जाए, वो हमको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पर तुम CAB में मुसलमानों को बिल्कुल अलहदा कर देते हो, जो लोगों का नाम NRC में नहीं आएगा उन लोगों को NRC से तो बेदखल हो गए, लेकिन इसी तरीके से अगर NRC में किसी हिंदुओं का नाम नहीं आता या किसी और का नहीं आता तो CAB से उनको उसका फ़ायदा हो जाएगा लेकिन मुसलमानों को नहीं होगा। तो ये किसी न किसी तरीके से हमारे साथ में हकलफी है, हमारा हक मारा जाएगा, और ये बिल्कुल संविधान के ख़िलाफ़ है, और इसी का पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग आज सड़कों पर आए थे और हमने अपनी बात को रखा और अपनी बात को इंशाल्लाह अपने ऊपर तक पहुँचाएँगे। और उम्मीद है कि ये कानून कभी कामयाब नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल संविधान के ख़िलाफ़ है और किसी के हक में नहीं है, और सिर्फ मुसलमान इसके ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि हिंदू और सारे के जो सेक्युलर जो लोग हैं, जो लोग सही सोच रखते हैं, वो सब इसके अंदर है। इसको प्रमोट ऐसा किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान ही इसके लिए रोड पर है, नहीं ऐसा नहीं है। जो आज जो सही समझता है, जिनको लगता है कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, वो वाकई में आज सड़कों पे है, मुसलमानों के साथ है, और ये आज हमारा नंबर है, कल दलितों का होगा, फिर सिखों का होगा, लेकिन शुरुआत हमसे है। और इस बात को अगर आज हम नहीं समझे तो कल सबको लात पड़ने वाली है, और इसके लिए हमको तैयार रहना है। बस ये हमारा मैसेज था जिसको हम लोगों ने आज सड़कों पर उतर के लोगों के सामने रखा। आज जो स्कॉटर्स कॉलोनी के अंदर जो रैली निकाली गई है मुसलमानों ने, जो NRC के खिलाफ रैली निकाली है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह आज जो रैली निकली इस वाटर कॉलोनी से, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि इसमें सारे कॉलोनी के, रानीवाड़ी के, सोसाइटी के मुसलमान और गैर मुस्लिम हमारे भाई शरीक रहे। ये NRC और कैब जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है जी, इसके अंदर हर वो शख्स परेशान होगा जिसके पास सही डॉक्यूमेंट्स अभी तक जिनके पास नहीं था, और ज़्यादातर इसमें परेशान हम ही लोग होने वाले जो मुसलमान हैं। खाली मुसलमान इसके अंदर, जैसे दलित भी है, दलित भी बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों का साथ देंगे, तो ये जैसा आप बता रहे हो कि हम मुसलमान ही परेशान नहीं होंगे, लेकिन मुसलमानों की रैलियाँ ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा तकलीफें जो है मुसलमानों को है, जिसमें जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसके अंदर जिनके पास CAB नहीं है उनको CAB किया जाएगा, उनको NRC किया जाएगा, जैसे हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख, ये लोगों का उन्होंने नाम लिया, एक समुदाय जो मुसलमान है उनका उन्होंने नाम नहीं लिया, तो क्या मुसलमान हिंदुस्तान में किराए हैं?
नहीं, क्या हम किराए पर रह रहे? नहीं, ये हमारा भी हिंदुस्तान है और हम यहाँ के हकदार मुसलमान हैं। अच्छा, ये हमारे वसीम भाई जिन्होंने अपने ख्याल को हमारे कैमरे में रखे। ठीक है, धन्यवाद।